राज्यों से गुजरकर अतीक को यूपी लाया जा चुका है। यूपी पुलिस का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रयागराज की ओर लगातार बढ़ रहा है। और इससे पहले जालौन में पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुकी थी, काफिला रुका था तो सरगर्मी बढ़ गई। पूरे सफर के दौरान अतीक अहमद का काफिला चार जगह ठहरा है। काफिले में ब्रेक लगते ही परिवार की धड़कनें, अतीक की धड़कनें बढ़ जाती हैं और काफिले के पीछे पीछे चल रही अतीक की बहन ने एनकाउंटर का डर जताया है। इस बीच आपको दिखा देते हैं कहां कहां से ये काफिला गुजरा है। दरअसल इसकी शुरुआत साबरमती गुजरात से हुई थी, जहां पर जेल से अतीक अहमद का काफिला शुरू हुआ। उसके बाद उदयपुर राजस्थान, जहां पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रीफिलिंग के लिए रोका गया। उसके बाद ये पहुंचा कोटा राजस्थान। तड़के 3 बजे इस जगह को कोटा को पार कर गया है काफिला। उसके बाद शिवपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में गायों के झुंड से टक्कर होने पर यह काफिला रुका और उसके बाद झांसी से उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई। सफर में यहां पर 1 घंटे का ब्रेक लगा। झांसी के थाने में ये पूरा काफिला रुका, वहां पर पुलिस वालों को रेस्ट दिया गया। उसके बाद 2 भाइयों पर दरअसल ये पूरी की पूरी अब जो कोर्ट की कार्रवाई है वो होनी है। किडनैपिंग मामले में दोनों की पेशी होनी है। अतीक अहमद का काफिला रवाना हो चुका है, कल कोर्ट में पेशी होनी है और उसके भाई को बरेली जेल से लाया जा रहा है। अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से रवाना कर दिया गया है। उसके भी काफिले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला उमेश पाल अपहरण कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें 17 मार्च को सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद 23 मार्च को अतीक अहमद की पेशी के आदेश दे दिए गए। 26 मार्च साबरमती जेल में उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची, वहां से काफिला रवाना हुआ और इसके बाद 26 से 27 मार्च के बीच यानी कि आज पूरा कर लिया जाएगा ये सफर। और कल यानी कि 28 मार्च को अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी, उसके साथ उसको ये भाई को भी पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच लगातार डर के साए में ये माफिया डॉन जी रहा है। हालांकि इसने अपने स्टेटमेंट को बदला और उसके बाद ये भी कह दिया कि डर किस बात का है। लेकिन इस बीच सफर का वो रूट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 4 राज्यों से ये पूरा रूट गुजरा है। इस रूट को यूपी पुलिस ने तय किया है, कहां पर काफिला रुकना है, कहां पर रिफ्यूलिंग होनी है, कहां पर और ज्यादा फोर्स लगानी है। जिस राज्य से काफिला गुजरता है वहां की लोकल पुलिस भी इस काफिले से जुड़ जाती है और तमाम प्रोटेक्शन यानी कि इस पूरे काफिले में एक लंबी चौड़ी पुलिस बल लगाई गई है ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो सके। लेकिन बताया जा रहा है कि आज 4 से 5 बजे के बीच प्रयागराज जेल ये काफिला पहुंच जाएगा, जो कि इसका अंतिम पड़ाव है, क्योंकि कल प्रयागराज की कोर्ट में ही अतीक अहमद की उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी होनी है, उसके भाई की भी पेशी होनी है और उसके भाई का काफिला भी बरेली जेल से रवाना हो चुका है। अधिक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अधिक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? अधिक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है?